हेलो एवरीवन, अभी जो मैं आपको ट्रिक्स दूंगा उस पर बेस्ड कई बार नीट और जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान से समझो। जब भी आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा और वेलोसिटी लिखना हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो टी की जो भी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है टी के कोफिशेंट में और टी का एक पावर कम करते जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, अब अगर मुझे वेलोसिटी लिखना है तो ये टी की पावर 2 है और ये ऑलरेडी कोफिशेंट 2 है, तो 2 × 2 टी की एक पावर कम कर देंगे तो 2 − 1 1 हो जाएगा, राइट। फिर प्लस 3, यहाँ पे टी की पावर 1 है तो × 1, राइट, और टी की पावर एक कम कर देंगे तो टी की पावर 0। फिर प्लस 5, यहाँ पे नहीं है कुछ तो टी की पावर 0 है तो × 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट आपका वेलोसिटी आ चुका है। एक्सीलरेशन में क्या करना है, अगर डायरेक्ट लिखना हो एक्सीलरेशन तो टी की पावर को मल्टीप्लाई तो करना ही है, फिर उसके बाद उससे एक कम डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करना आपको, एंड टी की पावर को 2 से कम करना, ध्यान देना। फॉर एग्जांपल अगर इसका लिखेंगे तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे एक्सीलरेशन। पहले टी की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, फिर 2 से एक कम तो 1, और टी की पावर डायरेक्ट 2 से कम कर देना है तो यहाँ पर टी की पावर क्या हो जाएगा, 0। फिर प्लस ये 3, राइट, पावर इसका 1 है, फिर इससे एक कम डिजिट का नंबर तो वो 0, फिर 0 ही हो जाएगा सब आगे, तो इसलिए सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे आपका 4। तो इस केस में अगर टी की पावर 2 होगी तो एक्सीलरेशन आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्स में कर रहे हैं, अगर वाई में होगा तो वाई में भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, तो वो 2D का क्वेश्चन हो जाएगा, ये 1D का क्वेश्चन हो गया, समझ के बाद। इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखो एक बार आया हुआ है 2012 में नीट में, कि अगर पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो रिटार्डेशन बताना जब वेलोसिटी 0 हो, दैट मीन्स टाइम निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आपको दे देगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ इसी ट्रिक से, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, ये 8 × t^0 है तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, राइट। फिर प्लस 12 × 1 t^1 एक कम कर देना है, फिर −3 × t^1 कम कर देना है, राइट, ये आ गया, तो ये वेलोसिटी आ चुका है। एक्सीलरेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, यस, आप इससे लिख सकते हो, इसका तो कुछ आएगा नहीं अभी बताया, राइट, इसका भी नहीं आएगा, कम हो जाएगा कैसे, तो ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, ये 0 कैसे हो गया, चूँकि टी की पावर 1 है, राइट, तो एक बार 1 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 से एक डिजिट कम वाला तो 0, तो इसलिए 0 कर देता वो। माइनस यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले 3 मल्टीप्लाई करूँगा मैं, फिर 3 से एक कम नंबर 2, और टी की पावर को 2 से कम करना है तो 3 पावर है तो 2 कम कर दिया तो 1 पावर, तो ये एक्सीलरेशन आपको आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब टाइम निकालने के लिए कंडीशन दिया है कि वेलोसिटी 0 करना है, तो ये 0 होगा तो यहाँ से सॉल्व कर लो, अगर v 0 होगा तो यहाँ से t आ जाएगा 2, तो यहाँ पुट कर दो t 2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12, तो योर आंसर विल बी d।